मैं अजीत शर्मा बिहार निर्मली का रहने वाला हूँ और मैं पिछले 10 दिनों से दरभंगा के DMCH में एडमिट कोविड वार्ड में हूँ, जहाँ पे कोविडों के नाम पे आइसोलेशन में रखा जा रहा है 15 दिन। लेकिन इस 15 दिन में ना तो कोई डॉक्टर का कोई रुतबा बढ़िया, ना तो कोई कंपाउंडर का बात करने का तरीका, ठीक है, पूरे दिन में यहाँ पे आदमी मरता है। देखिए आप लोग, पूरे दिन में आदमी मरता है, वो मरता रहता है। देखिए यहाँ पे जो भी है, ठीक है, ये सभी मरे पड़े, ये भी देखिए, ठीक है, ठीक है, सभी यहाँ पे, ये स्थिति है यहाँ का। मैं सरकार से अपील कर रहा हूँ, जल्द से जल्द यहाँ पे जो लोग कोविड से नहीं मरेंगे, इन लोगों की गलत रुतबा, गलत ट्रीटमेंट, गलत सुई और ना केयर करने की वजह से लोग यहाँ पे मरेंगे और मर रहे हैं। कोई मीडिया आपको नहीं बताएगा, कोई प्रशासन नहीं बताएगा पूरे दिन में DMCH में कितने आदमी मरते हैं। एक दिन में कम मेरे वार्ड से नहीं भी तो 7 से 8 आदमी मरा है पर डे, ठीक है। मैं अजीत शर्मा, मैं फुलफ्रास थाना का स्टाफ हूँ, मैं भी कोविड से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं पिछले आज 9 दिनों से हूँ एडमिट यहाँ पे, मैं सारा चीज़ देख रहा हूँ। किसी भी डॉक्टर से आप बात करो, वो आपसे बात तभी से नहीं करेगा, ठीक है। ये हाल स्थिति है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, 3 घंटे जो पेशेंट 2:30 बजे मरा है उसको देखने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है, 3 बजे मरा है उसको देखने के लिए कोई नहीं आया, बताइए इससे क्या आपका कोरोना संक्रमित फैलेगा या नहीं फैलेगा और वार्ड में, हाँ ना। तो यहाँ का खाना 3 बजे यहाँ पे आपको नाश्ता देता है, 2 ब्रेड, हाँ, और एक आलू और एक पत्ता गोभी की सब्ज़ी। यार एक कुत्ते को भी रोज़ दिया जाए ना तो वो भी नहीं खाएगा आलू और पत्ता की सब्ज़ी। 5 बजे भी खाना मिलता है, उसके बाद यदि आपकी टाइमिंग 8 बजे से रात में है ना, आप यदि खुदा ना खास्ता 8 बजे पहुंच गए तो सोच लीजिए कि भगवान से थोड़ा सा मुलाकात हो जाएगा जो भी कंपाउंडर हो। यदि दिन में आप 10 बजे आ गए ना, 12 बजे आ गए ना, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, फिर भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा रात में 9 बजे के बाद ही, तब तक आप मर जाओ, पूछने के लिए कोई नहीं आएगा। अभी आप खुद सोचो 3 बजे तक का टाइम हो गया, हाँ, ये लोग एक बार ही पेशेंट को देखने के लिए नहीं आता है, हाँ, बस हम सरकार से यही कहेंगे, जनता तो ऐसे ही परेशान है, सर कुछ कीजिए वरना आदमी जाता रहा चला जाएगा। यदि आप खुद देखोगे ना अपने अपने आंखों से, खुद पता चलेगा कि आज क्या स्थिति है कोविड का। मैं बता रहा हूँ दोस्त, जिन्होंने कोविड को नहीं देखा है ना, मुझ जैसे शख्स से पूछो कोविड क्या होता है, मैं बताऊँगा कोविड क्या है। दुनिया में सबसे लड़ाई जीत पाओगे इससे, अपने बस में ताकत नहीं है जीतने का, इसलिए इनके साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, अपनी सेफ्टी, मास्क, दूरी हमेशा बना के रखिए और किसी की बातों पे मत आइए। कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई केयर करने वाला नहीं है, यहाँ तक अपना जो होता है ना वो भी आपका साथ नहीं देगा, ठीक है। बस यही कहेंगे, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और ना ही अभी किसी से हाथ मिलाना है, ना ही किसी से गले मिलना है, और अपने काम को सही ढंग से करना है, लॉकडाउन का पालन करना है। भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, निर्मली का वासी हूँ, फुलपरास थाना का स्टाफ हूँ, नाम मेरा अजीत शर्मा है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, हाँ, अभी दरभंगा DMCH का स्थिति बहुत ख़राब है, ये लोग केयर नहीं करते हैं, बिल्कुल केयर नहीं करते। आपके अंदर जितनी तक ताकत है लड़ने की, बस इतना तक आओ, बैठो, जाओ।
और कुछ नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बस जिधर से आएगा एक पेंटो ठोक देगा, बस हो गया। धन्यवाद दोस्त, आगे से आगे वीडियो को से शेयर करिए, फैलाइए।